अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुश आमदीद। मेरा नाम अमीर है और आज हम आपके लिए लाए हैं Huawei Honor 8 Lite का रिव्यू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको पता चल जाए। हमने इस फोन की अनबॉक्सिंग पिछली वीडियो में की थी और अगर आप अनबॉक्सिंग देखना चाहते हैं तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। Huawei Honor 8 Lite मार्च 2017 में लॉन्च हुआ है और इसकी रिटेल प्राइस 24,900 रुपये है। ये फोन चार कलर्स में अवेलेबल है, ब्लैक, वाइट, ब्लू और गोल्ड। फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस में ये फोन Huawei Honor 6X के बहुत करीब है, लेकिन इस फोन में कुछ फीचर्स की कुर्बानी देकर Honor 8 जैसी खूबसूरती की तरफ ध्यान दिया गया है। तो आइए देखते हैं Huawei Honor 8 Lite है कैसा। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो Honor 8 Lite के आगे और पीछे ग्लास है। ग्लास के एजेस दोनों साइड पर थोड़े से कर्व्ड हैं और बीच में ब्रश मेटल का यूनिबॉडी फ्रेम है। यह इस फोन का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है क्योंकि इस फोन का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट इसका स्टाइल है, खास करके इस प्राइस रेंज में। हमने इस फोन की एक बात यह नोटिस की कि ग्लास होने के बावजूद इस फोन पर फिंगरप्रिंट्स थोड़े कम आते हैं। इसके मुकाबले में सैमसंग A5 और जेट ब्लैक एप्पल आईफोन जैसे दूसरे ग्लॉसी फोन्स के साथ फिंगरप्रिंट्स का थोड़ा ज्यादा मसला रहता है, लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि ग्लास होने की वजह से ड्यूरेबिलिटी जरूर मुतासर होगी। वैसे भी इस प्राइस रेंज में फोन्स ड्यूरेबिलिटी के लिहाज से बहुत अच्छे नहीं होते। Honor 6X की तरह इस फोन के राइट साइड पे पावर और वॉल्यूम कीज हैं, नीचे माइक्रो USB पोर्ट और माइक्रोफोन और स्पीकर ग्रिल्स हैं, लेफ्ट साइड पे सिम और माइक्रो SD कार्ड का हाइब्रिड स्लॉट है जिसमें आप एक सिम और एक 128 GB तक का माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं या तो दो सिम लगा सकते हैं। ऊपर वाली तरफ इसका हेडफोन जैक है और पीछे इसका फिंगरप्रिंट सेंसर है। Honor 8 Lite में 5.2 इंच 1080p फुल HD डिस्प्ले है। यह एक IPS LCD पैनल है और इसकी पिक्सल डेंसिटी 423 पिक्सल्स पर इंच है। स्क्रीन का रेजोल्यूशन बहुत अच्छा है और कलर रिप्रोडक्शन भी बहुत अच्छी है, लेकिन Honor 6X के मुकाबले में स्क्रीन छोटी है। Honor 6X में 5.5 इंच की स्क्रीन लगी हुई है जबकि इस फोन में 5.2 इंच की स्क्रीन लगी हुई है, लेकिन बिल्कुल Honor 6X की तरह डिस्प्ले बहुत खूबसूरत है। Honor 8 Lite पे पीछे 12 मेगापिक्सल का कैमरा और आगे 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लगा हुआ है, लेकिन इस फोन में Honor 6X के जैसा ड्यूल कैमरा सेटअप नहीं है, लेकिन इस प्राइस रेंज के लिए कैमरा बहुत अच्छा है। कलर सैचुरेशन भी अच्छी है और फोटोज अच्छी लाइट में डिसेंट आती हैं। लो लाइट में पिक्चर्स काफी ग्रीनी होती हैं और आराम से ब्लर्ड हो जाती हैं। वीडियो की मैक्सिमम रेजोल्यूशन 1080p है, लेकिन कैमरा में कोई ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है। ये हैं Honor 8 Lite से लिए जाने वाली कुछ इमेजेस। परफॉर्मेंस की बात करें तो अगर आपने हमारे Honor 6X का रिव्यू देखा है तो आप जानते होंगे कि हमें Kirin 655 प्रोसेसर और 3GB रैम के कॉम्बिनेशन की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी। Honor 8 Lite में भी यही कॉम्बिनेशन है और फोन जनरल यूसेज में काफी स्मूथ और रिस्पॉन्सिव रहा। एक और अच्छी बात यह है कि यह फोन एंड्रॉयड नूगट के साथ शिप हो रहा है, जिसकी वजह से इस फोन में गूगल का वॉइस कंट्रोल्ड गूगल असिस्टेंट बिल्ट इन है, जो एक बहुत अच्छा फीचर है। गूगल असिस्टेंट को एप्पल के सीरीज से ज्यादा अच्छा माना जाता है और इससे आप वॉइस कमांड से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ऐप्स खोल सकते हैं और बहुत सी दूसरी चीज़ें कर सकते हैं। एंड्रॉयड नूगट से पहले गूगल असिस्टेंट सिर्फ गूगल पिक्सल में अवेलेबल होता था, उसके साथ साथ एंड्रॉयड नूगट होने की वजह से इस फोन में ड्यूल स्क्रीन सपोर्ट भी है। फोन में Huawei का इमोशन UI लगा हुआ है जिसका लुक और ऑपरेशन थोड़ा आईफोन के जैसा है। UI की प्रेफरेंस सबकी अपनी अपनी होती है और शायद ये लुक स्टॉक एंड्रॉयड यूजर्स को पसंद ना आए, लेकिन एवरेज यूजर के लिए इंटरफेस बहुत स्मूथ और अच्छा है। Geekbench स्कोर्स को देखें तो Honor 8 Lite का स्कोर Samsung Galaxy A5 के स्कोर से बहुत करीब है, जबकि इसकी प्राइस A5 से आधी है। एक चीज जो हमें अच्छी नहीं लगी वो ये थी कि ये फोन 16GB स्टोरेज के साथ शिप हो रहा है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद आपके पास सिर्फ 6GB बचते हैं, जो कि 2017 में बहुत कम है। आजकल हर कोई फोटोज और वीडियोज व्हाट्सएप पे शेयर करता है और फोन स्टोरेज फौरन खत्म हो जाती है। यह जरूर है कि आप SD कार्ड लगाकर 128GB तक एक्सपेंशन कर सकते हैं, लेकिन इस केस में यह एक ऑप्शन होने के बजाय ज्यादातर लोगों के लिए एक मजबूरी होगी, और अगर आप ड्यूअल सिम यूजर हैं तो यह आपके लिए एक प्रॉब्लम बन सकती है क्योंकि इस फोन में हाइब्रिड सिम स्लॉट है। इस फोन का एक्टिव फिंगरप्रिंट सेंसर बिल्कुल Honor 6X वाला है और बहुत तेज और रिस्पॉन्सिव है।
Honor 8 Lite में 3000 mAh पावर की बैटरी है जो मीडियम यूसेज में एक से डेढ़ दिन निकालेगी और हैवी यूसेज में मुश्किल से एक पूरा दिन निकालेगी। बैटरी परफॉर्मेंस बहुत ही एवरेज है, इसके साथ साथ फास्ट चार्जिंग ना होने की वजह से ये फोन चार्ज होने में भी बहुत टाइम लगाता है। एम्प्टी से फुल चार्ज में 2.5 घंटे लगते हैं। Huawei Honor 8 Lite Huawei Honor 6X का ज्यादा खूबसूरत लेकिन थोड़ा कमजोर छोटा भाई है। ये फोन उन लोगों के लिए है जो स्टाइल और लुक को बेहतर परफॉर्मेंस के ऊपर तरजीह देते हैं। कम स्टोरेज, छोटी बैटरी, छोटी साइज की वजह से ये फोन पावर यूजर्स के लिए अच्छा नहीं है। मेरी नजर में Honor 6X के मुकाबले में 3 से 4 हजार के प्राइस डिफरेंस में फीचर्स थोड़े ज्यादा कम हो गए हैं, लेकिन इस प्राइस रेंज में शायद ही ऐसा कोई फोन हो जो दिखने में इतना खूबसूरत हो। इसके साथ साथ हमारा ये रिव्यू खत्म हुआ। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो पर लाइक जरूर दीजिएगा, और अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।